केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने संसद में अडानी ग्रुप के साथ प्रस्तावित सभी समझौते रद्द करने की घोषणा की। राष्ट्रपति रूटो ने कहा कि नए सबूतों के आधार पर अडानी ग्रुप के साथ हुए समझौतों को रद्द किया जा रहा है। न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टिगेटिव एजेंट्स एंड पार्टनर नेशन दैट द प्रोक्योरिंग एजेंसीज विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम इमीडिएटली कैंसिल द ऑनगोइंग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। अडानी ग्रुप केन्या में बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट एक्सटेंशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ 6,217 करोड़ की पावर ट्रांसमिशन डील की थी। ये डील केन्या में बिजली के ट्रांसमिशन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने को लेकर थी। अडानी ग्रुप केन्या में 15,205 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा था। इस प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप को नैरोबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक रनवे बनाना था और एक टर्मिनल का निर्माण करना था। इसके बदले अडानी ग्रुप को 30 साल तक एयरपोर्ट का ऑपरेशन का काम सौंपा जाना था। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABPLIVE Premium.